All dear students, this is Harish Kumbar. Swagat Hai this channel, mein, excellence English classes. Mein. And today I am going to explain the second part of Act 2 and Scene 9 from Merchant of Venice. And in this scene, you have watched that Prince of Aragon was trying his luck and he was interpreting meaning of the inscriptions written on the caskets. and he interprets the meaning of silver casket, golden casket and lead casket. but jab wo lead casket ko dekhta hai uska inscription padhta hai to kya kehta hai ki lead इतनी अच्छी चीज नहीं है जिसके लिए कोई कुछ भी risk पे लगाए तो उसे छोड़ देता है and then he moves forward for silver casket, golden casket and golden casket के बारे में क्या बोलता है that uh, golden इज़ अ थिंग दैट इज़ डिज़ाइड बाई मैनी पीपल बट मैनी पीपल मे बी मैंट बाय द फुल मल्टीट्यूड इट मीन्स की जो पूरी दुनिया है मूर्ख लोग इसमें भरे पड़े हैं बहुत से लोग तो वो भी होते हैं तो इसलिए वो क्या बोलता है आई विल नाट चूज वॉट मैनी मैन डिजायर बिकॉज आई विल नाट जम्प विद कॉमन स्पिरिट्स एंड रैंक मी विद द बारब्रस मल्टीट्यूड्स क्या बोलता है तो इसलिए मैं किसी ऐसी चीज़ को नहीं चुनूंगा जो बहुत से लोग चाहते हैं क्योंकि ऐसा करने से मेरी गिनती है वो कॉमन लोगों में हो जाएगी और मैं उस बारबरस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ बारबरस मतलब अनएजुकेटेड अनसिविलाइज तो आज यहाँ से कंटिन्यू होता है और आगे कंटिन्यू करने से पहले ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करें आपको आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियोस पे मिलती रहेगी चाहे वो मर्चेंट ऑफ वेनिस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों या फिर पूरे पूरे एक्ट की एक्सप्लेनेशंस हों जितनी भी पोइम्स और स्टोरीज हैं एंड ग्रामर पोर्शन में जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा इस चैनल पर ऑलमोस्ट टू और थ्री हंड्रेड अपलोड हो चुके हैं जो सभी आपके सिलेबस से हैं और फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पे जो लिंक दी हुई है इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करें और अपडेट्स के लिए फॉलो करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं तब वो बढ़ता है किसकी तरफ वाई देन टू दी दो सिल्वर ट्रेजर हाउस तो क्या बोलता है चलो छत तुम बताओ सिल्वर कैस्केट से बोलता है कि तुम जो सिल्वर ट्रेज़र हाउस हो तुम्हारे बारे में बात करते हैं अब टेल मी वंस मोर वट टाइटल दो डस्ट पेर और वो कैसकट से ऐसी बातें कर रहा है जैसे कैसकेट कोई नॉन लिविंग चीज़ नहीं है बट एक लिविंग चीज़ है जैसे वो कोई इंसान हो क्या बोलता है कैसकेट से ये बोलता है कि चलो अच्छा बताओ मुझे एक बार फिर से बताओ तुम्हारे ऊपर क्या लिखा हुआ है और पढ़ता है क्या बोलता है वो चूज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्वस तो क्या बोलता है कि जो कोई भी मुझे चूज़ करेगा उसे मिलेगा कितना जितना वो डिज़र्व करता है जितनी उसकी औकात है जितनी उसकी काबिलियत है उतना उसे मिल जाएगा तो ये बात इसे बहुत अच्छी लगती है और क्या बोलता है एंड वेल सेड टू क्या कहता हाँ ये बात तो बहुत ही सही कही है फॉर हु अबाउट टू कोजन फॉर्च्यून एंड बी ऑनरेबल विदाउट द स्टैम्प ऑफ मेरिट क्योंकि कौन ऐसा इंसान होगा जो शैल गो अबाउट टू कोजन यानी जो अपनी किस्मत को भी चीट कर सकता है फॉर्च्यून मतलब किस्मत को कोजन मतलब चीट कर सकता है ऐसा कोई इंसान है क्या और वो विदाउट द स्टैम्प ऑफ मेरिट स्टैम्प ऑफ़ मेरिट मतलब इंटेलिजेंस बुद्धि विजडम क्या कहता है क्या कोई ऐसा इंसान है जो बिना बुद्धि के या बिना अक्ल के ऑनरेबल बन जाए या कोई ऐसा इंसान है जो अपनी किस्मत को चीट करके आगे बढ़ जाए तो कहता है नहीं और आए क्या बोलता है लेट नन प्रज्यूम टू वेयर एन अनडिज़र्व डिग्निटी यानी कोई भी इंसान है वो अनडिज़र्व डिग्निटी को प्रिज्यूम नहीं कर पाएगा प्रिज्यूम मतलब रखना अपने आप में अनडिज़र्व डिग्निटी का मतलब जो सम्मान उसके पास है ही नहीं जिस इंसान की इज्जत है ही नहीं तो वो अपने ऊपर इज्जत को कैसे रख सकता है मतलब लोग उसे कहेंगे कि रेपटेड इंसान है तभी तो उसकी इज्जत होगी अनडिज़र्व डिग्निटी नहीं रख सकता है वो नेक्स्ट क्या कहता है बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स वो यहाँ पर देता है और क्या बोलता है ओ दैट एस्टेट्स डिग्रीज एंड ऑफिस वर नॉट डराइव्ड करप्टली क्या बोलता है कि जितने भी लोगों के पास जो उनका स्टेटस है स्टेट्स मतलब जो भी उनके पोजीशंस हैं डिग्रीज जो भी उनका सम्मान है ऑफिस जो भी उनका डेजिग्नेशन है जो भी उनका पद है ठीक है जो उनका रुतबा है वो सब कुछ करप्टली डिराइव नहीं हुआ डिराइव मतलब अचीव ठीक है अचीव क्या बोलता है कि ये सब कुछ करप्ट तरीके से डिराइव नहीं हो सकता ये पहले की बात थी एंड दैट क्लियर ऑनर और क्या बोलता है जो कॉनर है जो ऑनर है उसका सम्मान जो है वो कैसे आया द क्लियर ऑनर वर्चेज बाई द मेरिट ऑफ द वियर क्या कहता है जो जो सम्मान उसे मिला है वो खरीदा हुआ नहीं है वो परचेज किया गया है किससे मेरिट ऑफ द वियर मेरिट ऑफ द वियर का मतलब है उसका जो ऑनर है जो उसकी इज्जत है उसकी वजह से या फिर उसकी अकल की वजह से उसको वो सम्मान मिला है ना कि बिना सम्मान के वो सम्मान पाया है आगे वो एग्ज़ाम्पल देता है इस एग्ज़ाम्पल को अच्छे से समझिए हाउ मैनी देन शुड कवर दैट स्टैंड वेयर क्या बोलता है ऐसे कितने लोग हैं जो कवर रखते हैं किसको? अपने हेड को कवर रखते हैं किससे कैप से ठीक है अपने हेड पे कैप रखते हैं कितने ऐसे लोग हैं दैट स्टैंड बियर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टैंड होते हैं खड़े बियर मतलब नंगे सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सिर पे टोपी रहती है और कुछ लोग उनके सामने बिना टोपी के खड़े होते हैं बस ऐसे समझ जाओ कैसे जैसे कोई एक हाई ऑफिसर होता है कमिश्नर के यहाँ पर कोई नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर जाएगा तो क्या करेगा उसके ऑफिस में एंटर करने से पहले वो कैप को अपने बगल में दबाता है उसके बाद सल्यूट करता है देखा होगा ये चीज़ आपने नोटिस की होगी तो वो उनकी पोजीशन की वजह से वो उनके रुतबे की वजह से जो उनका डिजिग्नेशन है ठीक है जो उनको पद मिला है उसके अकॉर्डिंग होता है यही यहाँ पर प्रिंस ऑफ आरिगन कहना चाहता है तो कुछ लोग अपना सिर कवर करके रखते हैं और कुछ अपनी टोपी हटा के बात करते हैं आगे हाउ मैनी बी कमांडेड दैट कमांड और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कमांड मिलती है ठीक है और वो जो खुद भी कमांड करते हैं कमांड मिलती है और कमांड करते हैं ठीक है ये बड़ा ऑफिसर उसके बाद छोटा ऑफिसर उसके बाद और छोटा ऑफिसर ये इसको कमांड देगा ये इसको कमांड देगा बताओ ये तो सिर्फ कमांड देने वाला है ये इधर से कमांड इसको मिल रही है और इधर को कमांड पास कर रहा है ये सिर्फ कमांड लेने वाला है लास्ट में आए समझ में इधर से कमांड गई इधर इधर वाले ने इधर पास कर दी ऐसे ही होता है गवर्नमेंट में ऊपर से ऑर्डर आया ऊपर वाले ने बीच वाले को फॉलो किया सबसे नीचे फॉलो किया तो पूरा फॉलो जो है सबसे नीचे वालों को ही करना पड़ता है तो क्या कहता है ये जो सब कुछ है वो उनकी वर्द के अकॉर्डिंग है वो उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग है जो उस पर लिखा था डिज़र्व डिजर्विंग के अकॉर्डिंग है और आगे क्या बोलता है हाउ मच लो पीजेंट्री वुड देन बी ग्लिन फ्राम द ट्रू सीड ऑफ ऑनर और क्या बोलता है इसी तरह जो लो पीजेंट्री है पिजेंट्री मतलब छोटे मोटे किसान वुड दैन बी ग्लेंड फ्राम द ट्रू सीड ऑफ ऑनर यानी ग्लिन मतलब बड़े होते हैं किससे सम्मान के बीच से यानी कहना ये चाहता है कि एक छोटा मोटा मज़दूर और किसान भी अपनी काबिलियत के बल पर अपने सम्मान के बल पर एक दिन ऊंचा उठ सकता है और ये बात इसका कहना सही भी है ठीक है आगे एंड हाउ मच ऑनर पिक्ड फ्रॉम द शेफ़ एंड ड्रोइन ऑफ द टाइम्स टू बी न्यू वर्निस्ट क्या कहता है कि कितने सम्मान ऑनर मतलब ऑनरेबल पर्सन कितने ऑनरेबल पर्सन ऐसे हैं जिनको शैफ़ एंड ड्रोइंग से उठाया गया शैफ मतलब भूसा ड्रोइन मतलब खंडहर मतलब ये समझ लो कि बिल्कुल ख़त्म चीज़ों में से चीज लोगों को उठाया गया झोपड़ी झुग्गी में से लोगों को उठाया गया और वो न्यू वर्निस्ड हो गया मतलब सज धज कर तैयार हो गए इसका कहने का मतलब ये है कि एक छोटे से घर में रहने वाला इंसान एक मज़दूरी करने वाला इंसान छोटी मोटी खेती करने वाला इंसान भी आगे चल कर राजा बन सकता है तो ये किसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं डिज़र्विंग के अकॉर्डिंग क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं इसलिए वो उसके काबिल हैं इसलिए तो उसने आइडिया लगा लिया कि जो सिल्वर कैस्केट पे लिखा हुआ है सब कुछ ठीक है तो आई क्या बोलता है वेल बट टू माई चॉइस वो चूज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व आई विल एज्यूम डिजर्ट क्या बोलता है कि इस पर जो लिखा हुआ है सिल्वर कैस्केट पे मैं वही करूँगा मैं डेजर्ट एज्यूम करूँगा यहाँ पर इसके डेज़र्ट का मतलब है डिज़र्व ओके डिज़र्व ही है ये जो डिज़र्ट लिखा हुआ है डिज़र्व है तो क्या बोलता है मैं डिज़र्ट वाले कैस्केट को ही चूज़ करूंगा गिव मी की फॉर दिस और उसके लिए चाबी मांग लेता है एंड इंस्टेंटली अनलॉक माय फॉर्च्यून्स है और क्या होता है चाबी मुझे दो और अपनी किस्मत का दरवाज़ा मुझे खोलने दो बट उससे पता नहीं है जो वो करने जा रहा है वो उसकी किस्मत का दरवाज़ा नहीं है वो उसकी बर्बादी का दरवाज़ा है क्योंकि मीनिंग तो बहुत लगाया उसने बहुत सोचा बट सही कैसकेट तक सही कैसकेट तक नहीं पहुंच पाया आज के लिए इतना और आगे देखते हैं जब वो सिल्वर कैसकेट को ओपन करेगा तो उसे वहाँ क्या मिलता है और उसका रिएक्शन क्या होता है पोर्शिया का रिएक्शन क्या होता है ओके आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग